साल 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो या फिर साल 2019 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, दोनों ही काफी हिट रही हैं और इस सीरीज की दोनों ही फिल्मों में हमें एक अनार स्वाभिमान नजर आए हैं। मगर जल्दी इस फिल्म की तीसरी किस्त यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 आने वाली है जिसमें ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि निर्माता करण जौहर इस बार की कहानी काफी हटकर रखेंगे और इस फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट भी काफी शानदार होगी जो अपनी इम्प्रेसिव एक्टिंग से आप सभी का दिल लूट लेगी। लेकिन क्या होगी इस फिल्म की रोचक कहानी और स्टार कास्ट और रिलीजिंग डेट, आइए आपको बता दें। मगर उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, साल 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आप सभी ने देखा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन दोनों ही आलिया के पीछे दीवाने होकर घूम रहे थे, जिनके बीच का यह ट्रायंगल सभी को काफी पसंद आ गया था और ये फिल्म काफी हिट हुई। वहीं साल 2019 में रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था। इसमें हमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, तारा सुतारिया जैसे खूबसूरत और टैलेंटेड सितारे देखने को मिले थे जिन्होंने अपनी अदायगी से हर किसी को दीवाना बना लिया था। यही वजह है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीरीज की तीसरी फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर अब आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि करण जौहर जल्द ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसकी कहानी में इस बार आपको ट्रायंगल लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल इस फिल्म में चार मुख्य किरदार नजर आएंगे जिनके बीच में प्यार की खिचड़ी पक रही होगी और सभी का दिल एक दूसरे पर आया होगा, मगर किसी को भी किसी के प्यार के बारे में जानकारी नहीं होगी और इसी वजह से चारों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े और दुश्मनी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से फिल्म में एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा। मगर इसी बीच जब सभी को अपने प्यार का एहसास होगा तो हमें इस फिल्म में जमकर रोमांस भी देखने को मिलेगा जो आप सभी को दीवाना बना देगा। पर अंत में किसे अपना प्यार हासिल होगा और ये हर बार की तरह इस फिल्म में भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कड़ी टक्कर होती हुई नजर आएगी जिसमें बाजी कौन मारेगा ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। पर अगर बात की जाए इस फिल्म में नजर आने वाली स्टार कास्ट की तो आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे एक बार फिर से नजर आएंगे जो आप सभी को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं इस फिल्म में हमें अजय देवगन की खूबसूरत और कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रहने वाली बेटी न्यासा देवगन और शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान भी नजर आएंगे जो इस फिल्म से अपना डेब्यू करके आप सभी को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे। इसके साथ में अगर बात की जाए इस फिल्म की रिलीजिंग डेट की तो अभी तक करण जौहर ने अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है, इसलिए इस फिल्म के देखने के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।